That is concept number 10, beta. Friends, beta is a very, very important factor in the entire portfolio theory. Beta hota kya hai? Chaliye samajhte hain. Beta is a measure of relative risk. It measures risk of a stock in relation to the stock market index. Mujhe apne stock ka risk एब्सोल्यूट बेसिस पर डिटरमाइन करना हो तो हमने सीख रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन. बट स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी स्टॉक का स्टैंड अलोन एब्सोल्यूट रिस्क यानी कि टोटल रिस्क बताता है. हमारे स्टॉक का रिस्क इन रिलेशन टू मार्केट कैसा है. फॉर एग्जाम्पल, आपको बोल दिया जाए कि आपके स्टॉक का बीटा 1.2 है. अब आपके स्टॉक का बीटा 1.2, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है? द रिस्क ऑफ योर स्टॉक इज 1.2 टाइम्स द रिस्क प्रिवेलिंग इन द मार्केट. आई रिपीट, रिस्क ऑफ योर स्टॉक इज 1.2 टाइम्स द रिस्क प्रिवेलिंग इन मार्केट. इसका मतलब क्या हुआ? जिस मार्केट की आप बात कर रहे हैं, सपोज वो निफ्टी है, और मैं आपसे यह कह दूं कि निफ्टी हैज डिक्लाइंड बाय 5% ओवर पास्ट 1 month, तो आपके स्टॉक का बीटा 1.2 यानी मार्केट में जो रिस्क है, मार्केट में जो मूवमेंट्स देखे जाएंगे, आपके स्टॉक में वही मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होगा बट एट 1.2 टाइम्स. दैट मींस इफ वी हैव ऑब्जर्व्ड अ डिक्लाइन इन निफ्टी बाय 5% ओवर पास्ट 1 month, इट इज इंप्लाइड दैट योर स्टॉक विल हैव अ higher decline, your stock will have a decline by 1.2 times of 5%, that is 6%. So friends, वैसे ही आपको ऐसी news मिलती है कि Nifty has gone up by 5%, it is implied that your stock would have gone up by 1.2 times of 5%, that means your stock would have gone up by 6%. So friends, beta का जो definition है, it is a measure of relative risk. It measures risk of a stock in relation to the stock market. Friends, beta determine karne ke liye alag alag tarike hain. You primarily understand one thing. Beta calculate karne ke liye aapko 3 factors chahiye. Aapke stock ka standard deviation, jis market se aap apne stock ko relate kar rahe hain, us market index ka standard deviation, aur आपके स्टॉक और मार्केट के रिटर्न्स का कोरिलेशन. 3 फैक्टर्स में रिपीट कर रहा हूं. यू नीड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर स्टॉक, यू नीड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट विथ विच यू आर रिलेटिंग योर स्टॉक, एंड ऑब्वियसली बीटा बीइंग अ रिलेटिव रिस्क मेजर, यू कैनॉट इग्नोर कोरिलेशन. बीटा के लिए कोरिलेशन नेसेसरी है. तो तीसरा फैक्टर जो हमको चाहिए, दैट इज कोरिलेशन ऑफ योर स्टॉक विथ द मार्केट इंडेक्स. फ्रेंड्स, जो बातें मैंने अभी डिस्कस की है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं अलोंग विथ द मोड ऑफ कैलकुलेटिंग बीटा. तो दोस्तों, जैसा हमने डिस्कस किया, बीटा इज अ रिलेटिव रिस्क मेजर. इट मेजर्स एंड इंडिकेट्स रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक इन रिलेशन विथ मार्केट. यहां मार्केट मतलब इट इज डेफिनेटली अ मार्केट इंडेक्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ बीटा ऑफ स्टॉक ए इज 1.2 टाइम्स, it is understood that risk of stock A is 1.2 times of the risk prevailing in the market. Friends, ye sab kuch aapko likhne ki zarurat nahi hai, ye aap sirf samajhte jaiye. Let us move ahead and see how is beta measured. Calculation of beta. Beta can be computed by any of the following methods. Sabse pehla hai covariance method, fir correlation method, and then regression method or direct method. Friends, सबसे ज्यादा use जो आप करेंगे वो first and second method का. Regression method, direct method जो है, that is rarely going to be used. मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए एक बार सिखा दूंगा, exam में आपको third method की जरूरत नहीं पड़ेगी. So, calculation of beta by covariance method. Beta of X will be covariance of XM divided by variance of market. तो जब आपको X नाम के स्टॉक का बीटा चाहिए,
तो बीटा इज अ रेशियो जिसके न्यूमरेटर में को वेरायंस ऑफ एक्स विथ मार्केट रहेगा और डिनोमिनेटर में वेरायंस ऑफ मार्केट। फ्रेंड्स ये सारे कैलकुलेशन बेसिस, ये फॉर्मूलाज आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, आपको अभी इसे लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, जब हम आगे इनका एप्लीकेशन देखेंगे यू शुड अंडरस्टैंड हाउ दीज फॉर्मूलाज आर डिराइव्ड। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड मेथड दैट इज कोरिलेशन मेथड, कैलकुलेशन ऑफ बीटा बाय कोरिलेशन मेथड। बीटा ऑफ एक्स विल बी correlation between x and m multiplied by standard deviation of x divided by standard deviation of m, and then third method of calculation jise hum direct method kehte hain ya regression method kehte hain, friends ye typically ek statistical tarika hai beta find karne ka। main bar bar keh raha hu is direct method ka use exam mein mostly zarurat nahi padegi aapko, ye sirf aapko safety ke liye seekh kar rakh lene ka kabhi kaam aa sakta hai। So it is basically summation of x into m minus n into x bar into m bar divided by summation of m squared minus n into m bar squared। अब ये फॉर्मूला देखकर आपको नहीं समझेगा कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करके डायरेक्ट मेथड का एप्लीकेशन देखेंगे यू विल बी हैविंग कंप्लीट क्लैरिटी। सो डोंट वरी, इन सारे कैलकुलेशंस की हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात के ये जो कोरिलेशन मेथड एंड कोवेरियंस मेथड से जो बीटा डिटरमाइन किया हुआ है वी विल हैव अ क्लियर डिराइवेशन ऑफ दीज फॉर्मूलास, बट वो आगे चलकर। अभी हम कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 11 दैट इज कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल, CAPM, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन पोर्टफोलियो थियरी। तो फ्रेंड्स CAPM का एक इक्वेशन दिया जाता है ERX equals to RF plus RM minus RF into beta of X। यहां पर ERX is basically expected rate of return on security X as per CAPM, RF is risk free rate, RM is the rate of return on market portfolio or market index, beta of X is the beta factor of security X। फ्रेंड्स इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करके आंसर ला देना कोई बड़ी बात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिराइव दिस इक्वेशन। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक छोटे से कैलकुलेटिव क्वेश्चन के थ्रू ये CAPM का पूरा मैटर समझ लेते हैं, ये CAPM का इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ उसका लॉजिक समझ लेते हैं, and then we proceed ahead। So aap screen par dhyan dijiye, we go ahead with the next question। Question number 12, let us read what is given here। Risk free rate equals to 7% per annum, rate of return in market is 15% per annum, average rate of return on security x is 17.69% per annum, beta of security x is 1.2 times। You are required to analyze the situation using capital asset pricing model and determine the alpha for security x, decide whether it is worth investing in security x। तो दोस्तों usual काम जो हम हमेशा करते हैं, पहले इस question को समझ लें, इस question की पूरी analysis कर लें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है रिस्क फ्री रेट, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड रेट जो होगा दैट इज 7% रिस्क फ्री रेट। स्टॉक मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन एवरेज दिया हुआ है 15%, दैट मींस जो इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेना चाहता, जो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा रिस्क फ्री रिटर्न्स उसको 7% ही मिलेगा, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को तैयार है उसे 15% का रिटर्न मिल सकता है। तो जो एक्स्ट्रा सरप्लस रिटर्न जो मिल रहा है दैट इज डिफरेंस बिटवीन 15% एंड 7%, ये कहलाता है रिस्क प्रीमियम, जो हमारे केस में 15-7 यानी कि 8% है। तो ये 8% एक टाइप का रिवॉर्ड है उस इन्वेस्टर के लिए जो रिस्क लेने को तैयार है, जो रिस्क नहीं लेगा उसे वो रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। तो लॉजिकली जिसने ज्यादा रिस्क लिया उसे रिवॉर्ड भी तो ज्यादा मिलना चाहिए,
जब ज्यादा रिस्क लेने पर आपको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलना चाहिए, बात यह है, तो फिर हमारे केस में बीटा दिया हुआ है 1.2 टाइम्स। हमने बीटा का मीनिंग अभी दो मिनट पहले समझा कि बीटा इज अ रिलेटिव रिस्क मेजर। यहां पर बीटा 1.2 दिया है, यानी हमारे स्टॉक का जो रिस्क है इट इज 1.2 टाइम्स ऑफ द मार्केट रिस्क, इट इज बेसिकली 20% मोर रिस्क। तो जब मार्केट के रिस्क पर प्रीमियम है 8%, तो हम तो उससे थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं। दैट मींस वी शुड बी अवॉर्डेड विद लिटिल हायर प्रीमियम, 1.2 टाइम्स ऑफ द रिस्क प्रीमियम प्रिवेलिंग इन द मार्केट। तो मार्केट का रिस्क प्रीमियम 8% है, हमें उसका 1.2 टाइम्स मिलना चाहिए। दैट मींस 20% ज्यादा, दैट विल बी 8 + 20%, दैट इज 9.6%। दैट मींस द प्रीमियम दैट वी डिजर्व इज 9.6%, और वो 7% का रिस्क फ्री रेट तो हमें मिलना ही है। तो 7% के रिस्क फ्री रिटर्न के साथ हमें प्रीमियम मिलेगा 9.6% का, तो हमारा ओवरऑल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हो गया 16.6%, दैट इज 7 + 9.6। फ्रेंड्स, यहां पर हमने क्या किया, मार्केट का जो रेट ऑफ रिटर्न था 15%, हमने उसे दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। 15 को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक 7 जो रिस्क फ्री रेट है और दूसरा 8% जो रिस्क प्रीमियम है। ये 7% अपनी जगह एज इट इज रहेगा, इस 8% को आपको एडजस्ट करना है अपने रिस्क के बेसिस पर। आपने मार्केट से रिस्क कम लिया है तो आपको रिवॉर्ड भी कम मिलेगा, आपने मार्केट से रिस्क ज्यादा लिया है तो आपको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलेगा, आपने मार्केट के बराबर रिस्क लिया है तो आपको मार्केट के बराबर का ही रिवॉर्ड मिलेगा, दैट इज 8%, और आपने कुछ भी रिस्क नहीं लिया तो आपको कोई अवार्ड अलग से नहीं मिलेगा, रिस्क लेने पर ही आपको ये रिवॉर्ड मिल रहा है। देयरफॉर यू विल ऑलवेज एडजस्ट द रिस्क प्रीमियम इन अकॉर्डेंस विथ बीटा। तो हमने क्या किया, इस 8% में बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, 8 × 1.2 गिव्स यू 9.6, 9.6 एडेड बैक टू 7 gives you your expected rate of return of 16.6%। Friends, जो अभी अभी मैंने समझाया, इतनी सिंपल सी बात, जब इसे फॉर्मूला में आप पुटअप करें तो आपके पास फट से आंसर आ जाएगा। द पॉइंट इज वॉट, कॉन्सेप्ट समझ लेना बहुत जरूरी है, बट इतने डिस्क्रिप्शन के साथ आप आंसर लिखने जाएंगे, आपका आंसर काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए एक बार कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर यह सारा एक्सप्लेनेशन लिखवा दे रहा हूं, बट एग्जाम में इतना सारा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं लिखने का है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम में जो आपको लिखना है दैट इज सिंपली द फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन, बट सीखते समय आपको ये फॉर्मूला का बैकग्राउंड बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए और मैं आपको सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट करना है वो बता दूं। तो दोस्तों, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ रिटर्न की। रेट ऑफ रिटर्न प्रिवेलिंग इन मार्केट इज 15%, रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 7%। हम सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, एंड वी आर कॉलिंग दैट डिफरेंस एज रिस्क प्रीमियम। एन इन्वेस्टर हु इज रेडी टू इन्वेस्ट इन द मार्केट पोर्टफोलियो वुड एक्सपेक्ट 15% पर एनम रिटर्न्स, दैट इज 7% एज रिस्क फ्री रेट एंड 8% एज प्रीमियम फॉर टेकिंग द रिस्क प्रिवेलिंग इन द मार्केट। ऑलराइट, लेट अस मूव अहेड। सिक्योरिटी एक्स हैज अ बीटा ऑफ 1.2, दैट मीन्स रिस्क एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी एक्स इज 20% मोर देन द रिस्क प्रिवेलिंग इन द मार्केट। देयरफॉर द इन्वेस्टर विल डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ हायर रिवॉर्ड फॉर सच हाई रिस्क, दैट इज बाय एक्सपेक्टिंग 20% मोर प्रीमियम। देयरफॉर the expected risk premium for the investor equals to 8 + 20%, that is equal to 9.6%. Therefore, the expected rate of return as per capital asset pricing model will be 7% towards risk-free rate and 9.6% towards risk premium, and that will be 16.6%. तो दोस्तों, यहां तक आप देखिए, हमने कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया, एक सिंपल लॉजिक से हमने ये सारे कैलकुलेशंस फाइंड कर लिए। आई वांट यू पीपल टू टेक नोट ऑफ दिस। अब देखिए, प्रॉब्लम यही है कि लॉजिकली अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसे अवॉइड करना है।
एग्जाम में हम खाली फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन प्रेफर करेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अप्लाइंग फॉर्मूला ई आर एक्स इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा ऑफ एक्स। सारे वेरिएबल्स हम डिफाइन कर देंगे। फ्रेंड्स एग्जाम में जब आप फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखना ये सारे वेरिएबल्स आपको डिफाइन करने होंगे। ऑलराइट, सो टाइम फॉर अस टू पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड अराइव एट द कैलकुलेशन। सो ई आर एक्स विल बी 7 प्लस 15 माइनस 7 इंटू 1.2 एंड व्हाट यू गेट इज डायरेक्टली 16.6%। दोस्तों सॉल्यूशन यहां पर पूरा नहीं होता, आपको आगे भी कुछ बातें समझनी है। क्वेश्चन में आपसे अल्फा पूछा गया है, आपने ध्यान दिया होगा क्वेश्चन में अल्फा पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जितना रिस्क हम इस स्टॉक पर ले रहे हैं जिसका बीटा 1.2 टाइम्स है, उतने रिस्क पर वी मस्ट बी डिजर्विंग, वी मस्ट बी गेटिंग 16.6% रिटर्न। यानी हम इतना रिस्क ले रहे हैं तो हमें 16.6% तो रिटर्न मिलना ही चाहिए। अब हम इन्वेस्ट कब करेंगे जब रिटर्न 16.6% या उससे ज्यादा मिलता हो। अब इस स्टॉक का रिटर्न पास्ट एवरेजेस से या उसकी परफॉर्मेंस से जब हम इवैल्यूएट करें और हमें मालूम पड़ता है कि ये 16.6% से कम रिटर्न दे रहा है, तो हमें कोई शौक नहीं है ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। ये 16.6 या उससे ज्यादा रिटर्न देता हो देन वी हैव इंटरेस्ट इन बाइंग। इनफैक्ट मैं तो कहूं जब तक वो 16.6 से ज्यादा नहीं देता वी डोंट फाइंड एनी मोटिवेशन टू इन्वेस्ट इन टू दिस स्टॉक। अब ये देखिए क्या इस स्टॉक का एवरेज, जो पास्ट एवरेज रिटर्न दिया हुआ है वो कितना है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 17.69%। कंपेयर करके देखने पर समझ में आ जाता है कि जो रिटर्न हमें मिल रहा है या जो रिटर्न हमें मिलने का चांस है, इट इज हायर देन 16.6% एंड देयरफॉर वी मस्ट इन्वेस्ट इन टू दिस स्टॉक। The rate of return on an average observed on this security X is higher than the expected rate of return based on capital asset pricing model. Therefore, it is advisable to invest into such security. Alpha of security X is the difference between average rate of return of security X and the expected rate of return on security X as per CAPM. So, alpha equals to Rx minus Erx. दोस्तों यहां जो Rx बताया जा रहा है, पहला वाला टर्म Rx, ये बता रहा है the observed rate of return of 17.69% और जो Erx है ये हमारा compute किया हुआ theoretical rate, यानी जो rate हमें expect करना चाहिए using CAPM. So, alpha will be 17.69 minus 16.60. That is 1.09%. All right, let us move ahead. Alpha of security X is positive, indicating that there is a possibility of getting rate of return higher than expected as per CAPM. Therefore, it is worth investing in security X. तो चलिए आगे पहले ये समझ लें कि alpha क्या होता है. Alpha of a security is given as Rx minus Erx. जो पहला टर्म है Rx वो इंडिकेट कर रहा है द रेट ऑफ रिटर्न दैट यू हैव बीन ऑब्जर्विंग ऑन एनी स्टॉक, और जो Erx दूसरा टर्म है दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट यू एक्सपेक्ट एज पर CAPM. तो फ्रेंड्स हमें हमारे एक्सपेक्टेशन से कम या ज्यादा कितना डिफरेंशियल रिटर्न मिल रहा है, that is indicated by alpha. I repeat, alpha is the differential return. It is a surplus that you can expect on your stock. तो जैसे हमने यहां पर देखा कि आपका CAPM based rate of return जो था that was 16.6% और जो stock के performance based या उसके past average से हमें indication मिल रहा है कि इस stock पर on an average 17.69% का return है. So अल्फा वॉज 1.09%. ये 1.09 पॉजिटिव आया. पॉजिटिव अल्फा इंडिकेट करता है कि
जिस स्टॉक की आप बात कर रहे हैं उसमें रिटर्न आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, अल्फा नेगेटिव आ जाए, मतलब स्टॉक में रिटर्न तो है बट शायद आपके एक्सपेक्टेशन से कम, और स्टॉक का अल्फा जीरो आ जाए, यानी ये स्टॉक आपको उतना ही रिटर्न दे रहा है जितना आप डिजर्व करते हैं या जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये बात पर ध्यान देंगे कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए जो मोटिवेशन हमें मिलता है दैट इज ओनली व्हेन द अल्फा इज पॉजिटिव। सो वी विल ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट व्हेन एवर अल्फा इज पॉजिटिव। तो अल्फा पॉजिटिव है, इन्वेस्ट इन टू द स्टॉक और बाय द स्टॉक। अल्फा नेगेटिव आ जाए डिस इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि सेल कर दीजिए। अल्फा जीरो आ जाए तो जस्ट टेक नो एक्शन। आपके पास स्टॉक नहीं है तो लेने भी मत जाइए, और आपके पास स्टॉक लेकर ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो वो स्टॉक को होल्ड कीजिए, ना इसे अभी बाय करना है ना इसे अभी सेल करना है। तो इन कंक्लूडिंग बातों को आप नोट कर लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूं। इफ अल्फा इज पॉजिटिव बाय द स्टॉक, इफ अल्फा इज नेगेटिव सेल द स्टॉक, इफ अल्फा इज जीरो होल्ड द स्टॉक, और इन अदर वर्ड्स डू नॉट टेक एनी एक्शन।